नमस्कार, मैं बलजी ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की प्रेजेंटेशन में हम 50 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी है उसके करने वाले हैं। अभी तक हमारे क्वेश्चन इस सीरीज में हो चुके हैं 650 क्वेश्चन, 650 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैं अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीरीज है आप बिल्कुल सीरियसली ले रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार सीरीज होने के बाद, दो तीन बार रिवीजन करने के बाद में ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ठीक है, पीडीएफ का जरूर इस्तेमाल करें, पीडीएफ जरूर पढ़ें बार बार। जो स्टूडेंट पेड है उन्हीं को पीडीएफ मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए जरूरी है कि सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है वो है कि लोकसभा स्पीकर है उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी हुई है, वो क्या है स्टेटमेंट वो आपके सामने है। ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट दी और आपको बतानी है कौन सी। पहले हमेशा आप देख लीजिए कि पूछा क्या है, इसमें पूछा गया, यहां पे पूछा हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है तीनों में से। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, पहली जो स्टेटमेंट है कि वो प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट होता क्या, ऐसा है क्या, आप सोचिए इसके ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट है ही और सी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज और हर इलेक्शन, बट हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर इलेक्शन। कि वो अगर जब बनती है या बनता है लोकसभा स्पीकर, उस टाइम में मेंबर होना जरूरी नहीं है, 6 महीने के बाद भी बन सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्री के केस में। तो क्या इसमें भी ऐसा होता है लोकसभा स्पीकर के केस में भी। दूसरी स्टेटमेंट ये है। और तीसरी स्टेटमेंट देखिए क्या है, ही और सी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज हर रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। कि जब भी वो रिजाइन करना चाहती है या रिजाइन करेगी, उस टाइम में रेजिग्नेशन है वो डिप्टी स्पीकर को देंगे। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन सी करेक्ट है। देखो, पहली दो गलत है, पहली दो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीसरी करेक्ट है। देखो, ये तो आसान सी है कि जो स्पीकर होता है वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। ये इसलिए गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि जब मेंबर होता है ना, इसमें लिखा क्या है कि जो मेंबर होते हैं उसी में से ही किसको बनाया जाएगा। मैं आगे दिखाता हूं आपको जो एक्चुअल में वर्डिंग लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ऑन प्रेजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होता है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन क्या होता है राज्यसभा में होता है, और उसके साथ में पैनल ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन होते हैं। लोकसभा में चेयरमैन होते हैं और वाइस वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वो राज्यसभा में होते हैं, जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं, जो कि क्या अपॉइंटेड किए जाते हैं। स्पीकर, देखिए ये लिखी हुई लाइन, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, तो अपने मेंबर में ही उसको बनाना है, तो 6 महीने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता, इसलिए वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। ठीक है, ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन बी रिमूव ओनली बाय रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर उसको हटाना है, प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट यहां पे कोई जिक्र ही नहीं है, यहां पे कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर है उन्हीं में से ही लोकसभा ने, वो लोकसभा के मेंबर से उन्होंने चुन दिया। आमतौर पर क्या बहुमत वाली सरकार, बहुमत वाली पार्टी का ये नेता होता है और स्पीकर उसी का ही होता है, तो ऐसे केस में वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में उसको हटाया जा सकता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यहां पे मतलब है टोटल जो प्रेजेंट है उसका मोर देन 50%, नहीं, जो टोटल संख्या है उसको बोलते हैं मोर देन 50%, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी होती है कि प्रेजेंट का 50% से ज्यादा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है जो टोटल है उसका 50% से ज्यादा, तो उसको हटाने का तरीका ये, तो वो सिक्योरिटी है उसकी टेन्योर की, उसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि प्रेजिडेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऐसे हटा दे, ऐसे नहीं है। ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी आपको। चलो चलो अगला देने की कोशिश कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद है वो कुल मिलाकर सामूहिक रूप से पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। अब इससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है आपके दिमाग में, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको दूर कर दिया जाए परमानेंटली।
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड ओवर अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अगर ज्वाइंट मीटिंग होती है स्पीकर ना हो तो उसके केस में चेयरमैन राज्यसभा मतलब उपराष्ट्रपति है वो प्रिजाइडिंग करेगा, क्योंकि उसके बाद दूसरा सीनियर होता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? तीसरी स्टेटमेंट है रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर डिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या अगर डेथ हो जाए, अगर डेथ हो जाए या चीफ मिनिस्टर है वो रेजिग्नेशन कर दे तो ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो डिजोल्व हो जाएगी, मतलब उसका भी इस्तीफा माना जाएगा, सामूहिक रूप से उसका भी इस्तीफा हो जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। आपको बतानी है कि जो तीन स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट कौन सी है, उसमें से करेक्ट कौन सी है, तो बताइए कौन सी करेक्ट आपको लग रही है। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बहुत आसान है कि पहले स्पीकर होगा उसके बाद डिप्टी स्पीकर होगा उसके बाद डिप्टी चेयरमैन होगा। चेयरमैन कभी भी ज्वाइंट जो मीटिंग सिटिंग होती है उसका सदस्य नहीं हो सकता, उसका 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 वो प्रेजाइडिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पे। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लोकसभा की होती है, वो प्योरली आप ये नहीं बोल सकते कि वो राज्यसभा की होती है। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत है। आपको कोई छोटी किताब है या छोटे एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन में करेक्ट करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर ये एग्जाम अच्छे ढंग से दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली लोकसभा वर्ड होना चाहिए, तभी आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ये एक्चुअली स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं। ठीक है, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। पार्लियामेंट तो दोनों सदन हो गए, तो पार्लियामेंट री स्पेसिफिक टू लोकसभा होना चाहिए क्योंकि बहुमत वहां पे सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ऊपर वाली गलत है, तीसरी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंस्टिट्यूशन कन्फर्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए कैबिनेट इन द कंकरेंट लिस्ट टू। संविधान है वो एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती है? कार्यकारी शक्ति जिसको बोलते हैं, कोई सी चीज को एग्जीक्यूट करना है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी जो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में, फिर आपको समझ में आएगा, वरना मोस्ट प्रोबली आप इसका आंसर गलत करेंगे, मोस्ट प्रोबली इसका आंसर आप गलत कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूशन कन्फर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? समवर्ती सूची इसको हिंदी में बोलते हैं, जहां पे कि कानून लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। लेजिस्लेशन का सवाल है। ठीक है, तो एक तो वो बात होगी लेजिस्लेचर की जहां पे दोनों होगी। जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो वो किसको फिर होगा? तो देखिए जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? स्कूल चलाता कौन है? सरकार चलाएगी, केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है? ऑब्वियसली राज्य सरकार चलाती है। इसका आंसर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट होगा। इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा। कुछ ग्रेंड है, कुछ ना और पक्का लिखेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जो इसका आंसर है वो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही पूछा है यहाँ पे और नहीं पूछा है, तो इसलिए स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन पूछा है। स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं? स्टूडेंट उस रूप में लेंगे कि अगर दोनों का मामला हो और दोनों की बात अटक जाए तो जो पावर है कानून बनाने की वो किसकी सुप्रमेसी होगी? स्टूडेंट इस रूप में सोच सकते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव सुप्रमेसी पार्लियामेंट की होती है, उस रूप में मत सोचिए। यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात आई है, मतलब जो काम करना है एक्चुअली में वो कौन करता है, ये पूछा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, न कि आप इसको लेजिस्लेशन के हिसाब से सोचें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच प्रोविजन गारंटीड इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को गारंटी करता है? ठीक है, कौन सा प्रोविजन है? तो पहला क्या है, अपॉइंट इट्स अवन स्टाफ। अपॉइंट इट्स अवन स्टाफ कि उसके पास प्रोविजन होता है कि अपना स्टाफ है, अपने कर्मचारी है, वो खुद नियुक्त कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इस स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि मतलब समझना है इसका। प्रैक्टिस करने का मतलब वो वकील वाली प्रैक्टिस होती है, कहीं आप सोचे कि रंजन गोगोई है वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, वो सर्विस हुई, सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बात प्रैक्टिस की आई है, दो स्टेटमेंट में फर्क होता है,
दो स्टेटमेंट में फर्क है। तो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बैन है, क्या किसी जज को वकील बनते है? देखा है फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील रंजन गोगोई वकील। तो अच्छा ये तीसरी स्टेटमेंट है, कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, कि जो जजेस की कंडक्ट है या जजेस का जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? तो कंडक्ट है आप, इसका राइट इसका डी आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कि और कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, सरकार के अधीन ना हो, मतलब एग्जीक्यूटिव के अधीन ना हो। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी अलग अलग है और अलग अलग उनको काम भी उनके अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत सारे आप में सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्म निकलते हैं क्लर्क वगैरह के, हाई कोर्ट के क्लर्क के फॉर्म निकलते हैं, तो वो जुडिशरी कंडक्ट करती है, न कि सरकार करती है कंडक्ट। सिक्योरिटी ऑफ टेनोर है, उसको बीच में हटा नहीं सकता, मतलब ऐसे नहीं है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, उसको हटाया नहीं जा सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन है, एक्सपेंसिस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब उनके जो पैसे हैं तनख्वाह वगैरह मिलनी है या उनका जो खर्चा होता है पूरा जुडिशरी का, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, वोटिंग नहीं होगी। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर इसके फैसले की कोई आलोचना करता है या उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाता है तो उसको फिर वो सजा दे सकता है, या कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब ये भी उस रूप में भी आप इसको ले सकते हैं कि फैसले न माने तो सजा दिया जा सकता है। अपना स्टाफ को अपॉइंट करने की जुरिडिक्शन है, उसके अधिकार क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश की तो 44वां संशोधन आ गया था। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये सारे उसके प्रोविजन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ कितने साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना जाता है? डोनाल्ड ट्रंप है या बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, वो कितने कितने साल के लिए हुए थे? तो जब ये नोटबंदी हुई थी इंडिया में, उस टाइम में उसी मंथ नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप है उसका इलेक्शन हुआ था 2020 में, 2016 में हुई थी, 2020 में फिर इलेक्शन होना है, ठीक है। आजकल भी फंसे हुए बेचारे, एनीवे 4 साल के लिए उनकी इलेक्शन होता है, 4 साल के लिए, और वो 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते, मतलब 4 बार और फिर अगली बार 4 बार, 8 साल से 8 बार ही रह सकते, मतलब 8 साल के लिए, 8 साल नहीं बोलूंगा मैं, इस पे डिबेट है, किसी और प्रेजेंटेशन में इसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन 2 टर्म है वो जरूर बोल सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट इज लोकेटेड, राजस्थान हाई कोर्ट है वो कहां पे लोकेटेड है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट का जो लोकेशन है वो कैपिटल हो, राजधानी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने पीछे भी देखे हैं, यूपी से रिलेटेड है, हमने और भी डिस्कस किया है, तो बताइए कि इसका हाई कोर्ट का है, जोधपुर हाई कोर्ट है, ठीक है। 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसकी संख्या सेंक्शन जजेस स्ट्रेंथ है वो 50 है। कास्टिंग वोट ऑन एनी इश्यू इज गिवन टू द स्पीकर ओनली, कास्टिंग वोट कौन सा होता है? वो होता है निर्णायक में, जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक वोट, वो कब है, कब स्पीकर है वो डालेंगे, लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर, यहां पे लोकसभा की बात आ रही है कि स्पीकर की बात हो रही है, तो लोकसभा में मेंबर एमपी वोट डालते हैं, यहां पे कब ऐसी सिचुएशन आती है जब स्पीकर भी अपना वोट डालेंगे? तो क्या है कि अब रूलिंग पार्टी के मजबूत करने के लिए वोट डालते हैं, या कोई डेडलॉक हो जाए हाउस में तो उसके लिए वोट डालते हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस में डालते हैं? तो यहां पे जब वो टाई हो जाता है ना, उसको कि डेडलॉक बोलते हैं, तो या तो क्या है कि वो टॉस कर लिया जाए, हेड टेल वाला, तो ऐसी प्रोविजन तो है नहीं। क्या प्रोविजन है कि फिर क्या है कि वो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट डालेंगे, उसमें स्पीकर। स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज नोन एज, आपने फ्रीक्वेंटली जब आप लोकसभा की कार्रवाई है देखते हैं तो सुना भी होगा, उस टाइम में देखा होगा कि एक मेंबर बोल रहा होता है
और फिर क्या है कि उसी बीच में दूसरा मेंबर बोलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन होती है, उसको मैनेज कैसे करें, उस मच्छी मार्केट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हालात में क्या उसके उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर के पास वो पावर है कि किसी को बोलने से वो रोक सकता है, ठीक है, तो बताइए उसकी पावर को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, इल्डिंग द फ्लोर, फ्लोर का इल्ड करना, मतलब फ्लोर को आगे बढ़ाना या चलाना भी बोल सकते हैं, इल्डिंग द फ्लोर बोलते हैं उसको, जैसे रोकना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपका, फंक्शनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द, फंक्शनल हेड कौन सा है, जो काम करता है, कार्यात्मक प्रमुख है, नॉमिनल हेड नहीं है, फंक्शनल हेड की बात हो रही है, तो बताइए कि कौन है फंक्शनल हेड कौन है। तो इस केस में आंसर क्या है, प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या है इसका आंसर होगा। हु इंजॉय द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं रोक टोक होती है, तो जिसको बोलते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि अगर राइट टू मूवमेंट वाला कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो जो अंडमान निकोबार में जो जरावा प्रजाति है तो वहां पे आप नहीं जा सकते, कुछ एक जगह है जहां पे नहीं जा सकते, जैसे कि जरावा प्रजाति है अंडमान निकोबार में, वहां पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कौन लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच मींस दे आर सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मॉरलिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, यूनियन पार्लियामेंट इंजॉय द राइट टू इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शन। मैंने एग्जाम्पल दिया था जो जनजाति से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडिया का संविधान है वो अपने आप बहुत सारे देशों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि किस देश से कौन सा फीचर लगाया गया है, किस देश से कौन सा फीचर है वो है, तो बताओ कौन कौन सा फीचर है, किस देश से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, कौन सा पेयर है करेक्टली मैच्ड है, विच ऑफ द अबो आर करेक्टली मैच्ड, ये लिखा हुआ है, ये देखिए कौन सा सही है। तो देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ, क्या ये बात करेक्ट है, क्या यूएस से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोविजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो करेक्टली मैच है ना वो ये दो है, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन और आयरिश वाले से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पिछले प्रेजेंटेशन में भी कहीं कहीं आया है, उससे पिछले में आया होगा, ये दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे जो बात करेंगे ना प्रोविजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो जापान से है, और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है रूल ऑफ लॉ, वहां पे रूल ऑफ लॉ है वो यूएस का नहीं है, किसका रूल ऑफ लॉ, वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जैसे फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो लिया गया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिजनेस इन पार्लियामेंट कैन बी ट्रांजेक्टेड, पार्लियामेंट में जो भाषणबाजी या पूरा जो कार्रवाई होती है, संचालन कार्य पार्लियामेंट का संचालन है संसद का, वो किसमें ट्रांजेक्ट हो सकता है, हिंदी में ही हो सकता है या इंग्लिश में भी वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में, या किसी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है सी, हिंदी या फिर इंग्लिश में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो स्पीकर है वो परमिशन दे सकता है, विद द परमिशन ऑफ स्पीकर हाउस इन एनी ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो एमपी है फिर उसमें बात कर सकता है, लेकिन वो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल केस नहीं है ये, आर्टिकल 120 है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्लियामेंट के उससे संबंधित है, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती, तो फिर लोकल लैंग्वेज में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगी, ज्यादातर को नहीं आएगी। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपका क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन है ये, पहले चेयरमैन राज्यसभा के कौन है,
ज्यादातर को पता होगा, ज्यादातर को पता होगा, थोड़े बुद्धि लगाओ इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, जो पहले उपराष्ट्रपति थे वही तो चेयरमैन होंगे ना, फर्स्ट चेयरमैन राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। 1952 से लेकर 62 तक दो टर्म लगातार, दो टर्म है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है पहले चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया वाज दैट ऑफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को, कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया तो क्या उस टाइम में गणतंत्र था फिर भारत? क्या उस टाइम में गणतंत्र मतलब रिपब्लिक था? रिपब्लिक का मतलब क्या है? हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। और कब भारत का संविधान कब लागू हुआ? पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ एक पीरियड था बीच में, इस दौरान भारत क्या कहलाता था, क्या था उस टाइम में, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस टाइम में क्या है कि भारत डोमिनियन था, डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ओपन नेशन। जो आजाद हो गए थे ब्रिटेन से, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बना था और उसी का वो सदस्य था, ठीक है। कोई वो रिपब्लिक नहीं था, क्योंकि अभी भी उसको अपना संविधान लगवाना था, मतलब लगा नहीं था संविधान उसका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। इसको थोड़ा और भी अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करना, थोड़ा सर्च करो गूगल पे। यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो का डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बिटवीन 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। तो उस टाइम में भारत को क्या बोलते थे, यूनियन ऑफ इंडिया, या जिसको डोमिनियन ऑफ इंडिया बोला जाता था, इंडिपेंडेंट डोमिनियन था, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द, लेकिन रिपब्लिक नहीं था, इट वॉज क्रिएटेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड वॉज ट्रांसफर्ड इन टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय द प्रोमुलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950। कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब बना, यूनियन ऑफ इंडिया का रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 में बना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ रही होगी कि मामले क्या है ये। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे शुरू से, तो आपको ये बातें बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर हैड सेड दैट आर्टिकल डैश शुड नॉर्मली रिमेन ए डेड लेटर एंड वुड बी यूज ओनली इन द लास्ट रिजोर्ट। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब है वो दुखी थे, लेकिन वो बोला था, उन्होंने बोला कि ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये कभी लागू ना हो, ये इसका जरूरत न पड़े। उन्होंने उस पर यह बोला कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये संविधान में हमने कोई असाधारण सिचुएशन के लिए रखा है, लेकिन ये डेड लेटर ही रहे तो अच्छी बात है, हमारे फेडरल करेक्टर है वो डेमोक्रेसी को वो बना रहे, और ये लास्ट रिजोर्ट हो। तो वो कौन सा है जो फेडरल करेक्टर को या लास्ट रिजोर्ट में यूज होना चाहिए? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या होता है वो? आर्टिकल 356, राज्यों में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी लगाना, ताकि सरकारें इसका मिसयूज न करें फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरह का पावर है या राज्यपाल का टूल का इस्तेमाल करके कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को वीक कर सकती है। तो उन्होंने इस मुद्दे पे बोला था कि फेडरल करेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस पे देखिए क्या बोला कि व्हाइल द चैलेंज एट प्रेजेंट इज इंश्योर दैट आर्टिकल 356 इज यूज्ड स्प्रिंगली, अंबेडकर व्हाइल स्पीकिंग अडॉप्शन फॉर द आर्टिकल 355 एंड 56 हैड आयरोनिकली स्ट्रेस दैट मेंबर ओट टू एक्सप्रेस दैट सच आर्टिकल विल नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन एंड देयर वुड बी रिमेन ए डेड लेटर। यहां पे एक बात, एक आर्टिकल और जिक्र आया था 365, जो पिछला सेशन था 365 का, उसमें हमने जिक्र किया था। चाहता हूं कि मैं कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब दे कि आर्टिकल 365 क्या था। स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म, स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्रता पार्टी है वो किसके द्वारा गठित की गई थी, किसके द्वारा गठित की गई थी, ठीक है। तो जो पिछला सेशन था उसमें यह आया था कि पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने लाया था,
ऑब्वियसली क्या है कि स्वतंत्रता पार्टी है वो गठित की गई थी सी राजा गोपालचारी ने। वो जो विचारधारा के थे, जैसे कि नेहरू की विचारधारा ज्यादा सोशलिस्ट थी, गरीब अमीर के बीच में दूरी कम होना वो वाली, तो इसमें कोई देश स्लो प्रोग्रेस करता है, तो राजा गोपालचारी थे वो थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले विचारधारा के बंदे थे, तो उन्होंने लगा उनको कि देश है वो तेज दौड़ना चाहिए, सरकार वो ज्यादा सोशलिस्ट हो गई है, कांग्रेस ज्यादा सोशलिस्ट है। चीफ मिनिस्टर रिटेन्स हिज पोस्ट एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री अपनी पोस्ट है, मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि वो ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस। किसका कॉन्फिडेंस? क्या प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस, या गवर्नर का, या विधानसभा का, या राज्य के लोगों का? क्या राज्य के लोगों का? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे जो नए नए होते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तुरंत पीपल ऑफ द स्टेट मारेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? विधानसभा में उसके पास अगर बहुमत है, कॉन्फिडेंस है, मेजोरिटी है, तो ही वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, वरना नहीं रहेंगे, राज्यपाल उसको हटा देंगे। तो आंसर क्या हुआ 67 का सी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इज कंसर्न विद द, क्वेश्चन यहां पे आ गया है कि 1955 में एक्ट बना सिविल राइट्स पे, उसका संबंध किससे था? तो अगर आपने आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो क्या बोलता है, वो सिविल राइट की बात करता है, ठीक है ना, कि हर इंसान के अपने राइट है, सिविल राइट है कि आपके साथ कोई भेदभाव न हो। तो वो हवाला देता है जब सजा का निर्धारण होता है कि 6 महीने की सजा हो सकती है, किसी ने जाति सूचक टिप्पणी की या इस तरह की बातें होती है, वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो यहां पे क्या है कि वो सिविल राइट कौन से, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बी इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं सिविल राइट्स को, गूगल वगैरह सर्च करके, जिससे कि थोड़ा और पता हो। ठीक है, लेट मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट। मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित है वो क्या थी, स्वर्गीय क्या थी बताओ? देखो जब ये इमरजेंसी वगैरह लागू थी या इंदिरा गांधी के काल में, वो बहुत ज्यादा इंदिरा, हालांकि वो रिश्तेदार थी इंदिरा गांधी की, उसके बाद भी उनके बड़ी खिलाफ थी। तो यहां पे स्टेटमेंट है कुछ कि वो क्या थी, वो इंडियन टू फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन द फ्री इंडिया, वुमेन एम्बेसडर ऑफ फ्री इंडिया टू ए फॉरेन कंट्री और टू अडोर्न ऑल द थ्री असाइनमेंट्स, कि तीनों ऊपर वालों को सुशोभित कर रही है, विभूषित कर रही है, मतलब तीनों ही स्टेट इन फ्री इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर वो तीनों ही थी। इसका राइट आंसर क्या है, डी है, कि वो सारी चीजें इसमें थी। आप इसमें थोड़ा सा और बायोग्राफी के बारे में सर्च कर सकते हैं, जिससे कि कुछ और भी आइडिया आपको पता चले कि नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ इनका क्या रिलेशन था। ठीक है, बिना रिलेशन ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ एक यहां पर दी हुई है चीजें, और वो काफी लंबे समय तक 1946 से लेकर 1968 तक उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को यूनाइटेड नेशन में हेड किया था। क्वेश्चन आ जाता है वहां यहां पे 670, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 670 में, मैं अपने आप को हटाता हूं पहले तो। डिफरेंस बिटवीन एन एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट। आपने हाई कोर्ट जब पढ़ रहे होंगे, हाई कोर्ट पढ़ते होंगे तो एक चीज पढ़ते होंगे कि वहां पे एडिशनल जज भी होते हैं, एक्टिंग जज भी होते हैं, जब जज की कमी हो जाए या इस तरह की बातें होती है तो एडिशनल जज की भूमिका आती है, एक्टिंग जज की भूमिका आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिफरेंस पूछा गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है ए, देर इज ए प्रैक्टिकली नो डिफरेंस, कि एक्चुअली में कोई नाम लिख दिया एक्टिंग जज है और एडिशनल जज है। अब मैं आपसे इन चारों स्टेटमेंट से पहले यह समझने आपको बताना चाहता हूं, ये समझो इस बात को, एक्टिंग जज कब होता है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कब हो सकता है, कोई गुलजारीलाल नंदा की बात हुई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, या कोई एक्टिंग कब होता है, जब कोई इमीडिएटली किसी का देहांत हो जाए, या क्या है कि आकस्मिक कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, मतलब अचानक कोई चीज हो तो उसकी जरूरत पड़ जाए। हाई कोर्ट के कोई जज है वो अचानक बीमार पड़ गए हैं, कोरोना वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं,
जरूरत पड़ रही है, काम ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, वहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा करना है, तो एक्टिंग जज की मुंह जाते ऐसे एडिशनल जज है। इन दोनों में डिफरेंस की बात पूछ रही है यहाँ पे, देर इज ए प्रैक्टिकली नो डिफरेंस। क्या ऐसा है? द फॉर्मर इज अपॉइंटेड इन ए कैजुअल वैकेंसी वेयर द लेटर इज अपॉइंटेड टू कोप विद द वर्कलोड। कि दूसरा है वो ज्यादा वर्कलोड के लिए होता है, पहला है वो कैजुअल इमरजेंसी की कैजुअल वैकेंसी की वजह से होता है। तीसरा है द फॉर्मर इज अपॉइंटेड टू कोप विद द वर्कलोड। कि पहला वर्कलोड का सिचुएशन होती है, उसको कोप अप करने के लिए होता है, जबकि एक्टिंग है, एक्टिंग जज है, वो कैजुअल वैकेंसी के लिए होता है, ठीक है, आकस्मिक रिक्ति के लिए होता है। फॉर्मर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, वेयर इज लेटर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे तो बहुत आसान से मैंने वैसे हिंट दे दिया आपको कि इसका राइट आंसर है सी। जब एक्टिंग कब होता है? जब कैजुअल वैकेंसी, मतलब कि वहां पे कोई अचानक वैकेंसी हो गई है। और एडिशनल कब होता है? जब काम ज्यादा हो गया तो एडिशनल को रखते हैं, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है एडिशनल। ठीक है, काम ज्यादा हो गया, वर्कलोड ज्यादा हो गया, तो इसको सी आंसर होगा इसका। ऐसी सिचुएशन में हाईकोर्ट में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, उनके पास ये पावर है कि वो नियुक्ति कर सकते हैं 2 साल से ज्यादा की। यहां पे कुछ और भी कंडीशन है यहां पे कि मैक्सिमम है वो 2 साल के लिए हो सकती है। प्रेसिडेंट मे अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन टू बी एडिशनल जज ऑफ द कोर्ट फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स एट स्पेसिफिक, और 62 ईयर से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं बड़े एग्जाम में उसमें ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये समझने की कोशिश करो कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये समझने करो कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने अमूल वगैरह का नाम सुना होगा, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पे बात क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या स्टेटमेंट? ठीक है, मतलब संविधान जब स्टार्ट था उसमें ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधानिक दर्जा मिल गया था, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या यह बात करेक्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संविधानिक दर्जा, आर्टिकल है संविधान में कोई इस सोसाइटी से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, और वो शुरू से है? ये बात क्वेश्चन है, ये तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। मौलिक अधिकार है क्या राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी? तीसरी स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि ये पार्लियामेंट, अगर मल्टी स्टेट का मतलब क्या, कई राज्यों में कोई सोसाइटी है बनानी है या कुछ का कामकाज होना है, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है उससे संबंधित लॉ बनाने के लिए, उससे संबंधित लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अबो स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कि बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो देखिए यहां पे इसका आंसर होगा बी, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये नहीं है, ओरिजिन से नहीं है। अब देखिए पढ़ लिए पूरा, मैं चाहता हूं कि ये जो है ये पूरा आप नजर दौड़ाएं, जरूरी है पूरा नजर दौड़ाएं, जरूरी है कि संविधान में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 को, जिसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संवैधानिक दर्जा है दिया गया था, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और 3 चेंजेस संविधान में किए गए। एक तो क्या है कि इसको इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत। क्या बना दिया गया इसको? फंडामेंटल राइट, कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरा क्या है कि इट इंक्लूडेड ए न्यू आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी से कि प्रमोट करना है उसको राज्यों को, राज्य मतलब सरकार को, स्टेट को। वो आर्टिकल, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 43 का बी का संबंध है वो किससे है, किससे है, तो इसका क्या है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया आपके लिए। ठीक है, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो गया 97 वाला। ये क्या है, फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा, ये बात इंपॉर्टेंट होगी। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इस पे, कितने क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। और एक न्यू पार्ट 9B है संविधान में ऐड किया गया, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी है कि 9B का संबंध किससे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कितने हो गए?
कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन पीछे आए हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, किताबें पढ़ना काफी नहीं होता, जब क्वेश्चन करते हैं ना तो माथा ठनकता है कि वो सीरियसली नहीं ले गई हमने, हमने चीजें सीरियसली नहीं ली उस टाइम में, ठीक है। अच्छा, द न्यू पार्ट 9B कंटेन वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कंट्री फंक्शन इन ए डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल और ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक हो, ये इंश्योर करता है ये आर्टिकल, प्रोफेशनल हो, ऑटोनोमस हो, इकोनॉमिकली साउंड हो। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो उस पर रूल एंड रेगुलेशन कानून बना सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को अगर उसी राज्य में, मतलब दूसरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी ना, मल्टी स्टेट नहीं है दूसरी वाली को, तो वहां पे वो एप्रोप्रिएट लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, बहुत जरूरी था। चलो आगे देख लेते हैं। अंडर द कंस्टिट्यूशन रेजिडरी पावर्स बिलोंग टू, संविधान में जो रेजिडरी पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियां इसको बोलती है, जो कहीं पे नहीं है लिखा होता है यूनियन लिस्ट उसमें, तो वो किसके पास होती है, वो किसके पास होती है, तो ये उम्मीद करते हैं ये आसान सा क्वेश्चन है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में होती है। जब आ जाती है ना कि किस मुद्दे पे, सोशल मीडिया पे कानून कौन बनाएगा, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्विटर है, यूट्यूब आई है, उसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते कि 20 साल के बाद पता चला रोबोट भी बड़े इस तरह के आ गए हैं कि जो कोरोना है उसके लिए, उसमें खाना आपके लिए रोबोट ला रहे हैं, तो उसका संचालन कैसे हो, जैसे ड्रोन का केस हुआ, तो ड्रोन से रिलेटेड पहले जब संविधान बना था उस टाइम में किसी ने सोचा नहीं था ड्रोन जैसी भी कोई चीज हो सकती है। तो ऐसे मुद्दों पे पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो एक्शन लेगी, वो एक्शन लेगी। फिर एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ फॉरेन कंट्री प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल टू, क्या है कि एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर ऑफ फॉरेन कंट्रीज प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल टू, फॉरेन कंट्री के विदेशी से, देखो अगर भारत का कोई राजदूत है वो कौन अपॉइंट करता है, तो उसी तरीके से कि विदेश वाला जो अपॉइंट करता है उसकी बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो वो अपना एक किस्म से प्रत्यय पत्र या जो क्रेडेंशियल है वो किसको देता है, ठीक है, तो उसको वो देता है, बहुत आसान सा आंसर है इसका, राष्ट्रपति को। यहां पे जो दो देशों की बात आती है ना, और जो यहाँ के एम्बेसडर है वो उसको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वहां पे भी राष्ट्रपति करते हैं, तो अगवानी कौन करेगा, अगवानी भारत में, तो वो भी राष्ट्रपति है। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब का नाम, इनके बारे में सारा सुना होगा। बताना है कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट बता सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे, देखते हैं इसके कौन बता सकते हैं, फाउंडर्स कौन थे बताओ, फटाफट बताओ कि फाउंडर्स कौन थे, ठीक है। तो ये सबको पता होगा कि ए यो ह्यूम वो तो थे ही थे, लेकिन ये सब में है फिर ऑप्शन, ये तो सब में ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी है वो किसमें, ये भी सब ज्यादातर को पता होता, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा है इससे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या, आंसर तो बी है, लेकिन कौन कौन थे जो संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, फाउंडर कांग्रेस के कौन रहे, तो बहुत सारे लोग थे, देखिए ये, देखिए ये फाउंडर की लिस्ट है, तो ए ओ ह्यूम, पूरा नाम इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडरबर्न जो दूसरा नाम था ना वहां पे वो ये वाला है, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर है मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रनाडे, दादाभाई नरोजी, दिनशा वाचा, फिरोजशाह मेहता, तो ये थोड़ा सा रट्टा मार ले। अगला क्वेश्चन है कि द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर अपॉइंटेड बाय, रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, एमएलए का जब इलेक्शन होता है
रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि लोकल लेवल पे कंडक्ट करता है ना, उस टाइम में क्या है कि पूरा किसके अंतर्गत आ जाता है पूरा पूरा ढांचा, क्या सरकार के अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन। इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन, डी। इलेक्शन कमीशन है वो रिटर्निंग ऑफिसर, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन वैसे तो। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, भारत में कैबिनेट मिशन आया पिछले प्रेजेंटेशन में भी जिक्र था कैबिनेट मिशन, तो आपको ये बताना है कि जो कैबिनेट मिशन था उसके हेड कौन थे, अध्यक्षता किसने की जो भारत में आया था। ठीक है, तो वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन बताइए। इसका राइट आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। जो कैबिनेट मिशन है उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, भारत के लिए किस्म से वो विदेश मंत्री थे, वो थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी एलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी। कैबिनेट मिशन वाज हेडेड बाय लॉर्ड फैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के गणराज्य में, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत के गणराज्य में क्या दिया? यहां पे चार ऑप्शन आपके सामने। प्रेजिडेंट इज सुप्रीम एज ही इज द, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिए, स्टेटमेंट से आप घबराना मत, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, द प्रेजिडेंट इज सुप्रीम एज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन हिम। पहली स्टेटमेंट तो यह है कि क्या भारत के गणराज्य में यह बात करेक्ट है क्या? क्या भारत के गणराज्य में यह बात ठीक है क्या? दूसरा, क्या प्रेजिडेंट सुप्रीम है? क्या प्रेसिडेंट सुप्रीम है कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं का, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर है उसके जरिए चलती है, उसमें निहित है। दूसरा देखिए, जो बच्चा इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेगा ना 90% गलत आंसर देगा। जब पूरा पढ़ेगा तो पता चला आखिर में यह आंसर लिखा हुआ था, पता चला आखिर में आंसर लिखा हुआ था, तो इसलिए कई बार पूरा पढ़ना भी जरूरी होता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम एज इट कैन इवन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की भारत के संविधान को भी बदल सकती है, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम, क्योंकि ये अल्टीमेट संविधान को इंटरप्रेट करता है। तो यह बात तीन आ चुकी है अभी तक कि राष्ट्रपति सुप्रीम है क्योंकि वो सबका हेड है, सुप्रीम कमांडर है सेनाओं का और एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि ये यहां तक कि संविधान को भी बदल सकती है। तीसरी बात आई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है क्योंकि ये संविधान को इंटरप्रेट करता है, अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन उसके पास है। और चौथी बात आई फिर जब तीनों ने अपनी अपनी बात रख दी कि कौन कौन सुप्रीम, ठीक है, तो डी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कि संविधान ही सुप्रीम है क्योंकि ये सारे अंग है, तीनों विंग्स है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाली पार्लियामेंट, और जुडिशरी, इन तीनों को कंट्रोल करता है, इसलिए संविधान सुप्रीम है। तो बताओ कि क्या राइट आंसर है? तो मुझे लगता है कि आपने अगर पूरा पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है, संविधान ही सुप्रीम है, उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, उसी के अंदर ये सब कुछ है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। चलो इसको पढ़ भी लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड ऑल द स्टेट ऑर्गन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, जुडिशरी स्टेट है वो बाउंड है, उसके अंतर्गत है, वो कंट्रोल होते हैं उससे। दे मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट्स, जो संविधान में लिखी है उसी के अनुसार वो अपनी लिमिट में काम करना है, अपने औकात में काम करना है सभी को, और दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्ट्राइन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, फिर ये तीन स्टेटमेंट लिख दी जाए तो फिर आपके लिए आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 78, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर, वोटर्स का रजिस्ट्रेशन है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, वोटर्स करती है, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन कमीशन करता है, कौन करता है? अगर आपको अपना वोटर वोटर लिस्ट में नाम चाहिए तो किसको अप्रोच करेंगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, मायावती को, किसको करेंगे? ठीक है, या सरकार को करेंगे या किसी दूसरे मतदाता को कर बैठेंगे? ठीक है, कि तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन है, वही वोटर का रजिस्टर करता है, वही पॉलिटिकल पार्टी का करता है कि किसका कौन सा सिंबल होना है,
रीजनल पार्टी कौन सी होगी, नेशनल पार्टी कौन सी होगी, झाड़ू सिंबल किसको होगा, हाथ का निशान किसको होगा, ये सारे। कैन ए सिटीजन अप्रोच ए कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल? कैन ए सिटीजन अप्रोच ए कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिसेबल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फोर्सेबल क्या है, जस्टिसेबल क्या है, वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये नॉन इन्फोर्सेबल है। आर्टिकल क्वेश्चन आ गया 80, आर्टिकल डैश इज इन ए बिल्ट इंस्ट्रूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स अमेंडमेंट। आर्टिकल डैश इज इन बिल्ट इंस्ट्रूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स अमेंडमेंट, मतलब कि संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि अमेंडमेंट की बात करता है, कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट की बात करता है। आसान सा क्वेश्चन है, तो यह करता है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो बताइए कि जो प्रस्तावना है संविधान की उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट। हमेशा पहले यह देख लिया करो, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल, कि ब्रिटिश का संविधान है वो पहला, वॉज फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, की दो बार संविधान में संवैधानिक संशोधन हो चुका है प्रीएम्बल का भारत में, ऐसा है क्या? और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि प्रीएम्बल यह बताता है कि भारत है वो नेचर क्या है, भारत की किस तरह का रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, क्या है, ठीक है। तो ये आपको सोशलिस्ट है क्या है ये बताता है, क्या ये बात करेक्ट है? और बताइए कौन कौन सा होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, राइट आंसर है सी। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो अमेंडमेंट एक बार हुआ और ये तो अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका टू फर्स्ट बिगिन विद प्रीएम्बल, ठीक है। और जो एक बार अमेंड किया गया था, कब किया गया था? 42वें संशोधन में किया गया था, ये बात पता होगी आपको। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि आपको राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो ये फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का, या ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये क्या है, क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि हर भारतीय को ये रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम और नेशनल, क्या लिखा हुआ उसमें, और फंडामेंटल ड्यूटी कहां पे है? 51A में है, शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व सीट एग्जिस्ट इन ए स्टेट असेंबली फॉर, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इसमें रिजर्व सीट होती है कुछ, तो रिजर्व सीट किसके लिए होती है? क्या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है असेंबली में, विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है? क्या माइनॉरिटी के लिए है? क्या बैकवर्ड क्लास के लिए है? क्या एससी एसटी के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, डी इसका आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल क्या है? 332। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा मैच प्रॉपर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मैच प्रॉपर नहीं है, ठीक है, मतलब फीचर है वो कौन सा करेक्ट मैच नहीं हो रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका मतलब क्या है कि वो इसमें इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या ऐसा है? ये बात मेरे ख्याल में पिछले वाले सेशन में भी आई थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है उसमें। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इंक्लूडिंग राइट टू वियर एंड कैरी कृपान बाय सिक्स, ये भी बात करेक्ट है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों है? कि जो आर्टिकल 21 है उसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो वो तो लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन वाली बात आ गई ना, लाइफ प्रोटेक्शन की बात आ गई, तो इसमें ट्रेड और बिजनेस की बात नहीं आई। तो राइट आंसर क्या इसका? सी होगा। थोड़ा आर्टिकल 21 के बारे में सर्च कर सकते हैं, 21 और 19 का कंपैरिजन देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ड्यूटीज ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटी है वो किसकी ड्यूटी है? क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी है समाज के प्रति,
क्या राज्य की नागरिक के सरकार की नागरिकों के प्रति ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, या सिटीजन की सोसाइटी और फेलो सिटीजन के प्रति है, या सिटीजन और स्टेट दोनों की ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी होती किसकी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिटीजन की ड्यूटी है सोसाइटी और फेलो सिटीजन के प्रति, सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ज्वाइंड इंडिया आफ्टर ए रेफरेंडम ऑफ इट्स पीपल, भारत क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ज्वाइंड इंडिया आफ्टर ए रेफरेंडम ऑफ इट्स पीपल। रेफरेंडम क्या होता है? लोगों से पूछना, बताओ किसके साथ, भारत के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, वोटिंग करवा ली। ठीक है, तो वो कौन से स्टेट थे जिसमें वोटिंग करवाई और बोला कि हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं, और बहुत मतलब अब वो 90% 95-98% बोल रहे हैं कि हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं, एक को इक्का दुक्का है जो अपना फायदा देख रहे होंगे, तो वो कौन थे? तो देखिए इसके राइट आंसर क्या होगा, इसका सी आंसर है, दोनों जूनागढ़ और सिक्किम दोनों भारत में रेफरेंडम के जरिए ही इंक्लूड हुए हैं। यहां पे जो 1948 में प्लेबिसाइट करवाया गया था फरवरी में जूनागढ़ में, जिसमें कि यूनेनिमसली मतलब एक तरफाई भारत के फेवर में उन्होंने बोला हम भारत के साथ ही जाएंगे, और सिक्किम 10 अप्रैल 1975 में क्या है कि वहां पे असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के साथ इंटीग्रेट करने का, और उसके बाद 97% लोगों ने रेफरेंडम में बोला कि भारत के साथ ही जाना चाहते हैं, 14 अप्रैल को वोटिंग हुई वहां पे। ठीक है, तो इसलिए भारत का 22वां स्टेट सिक्किम बन गया था। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना कि करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कि 10th शेड्यूल कंटेन प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन, क्या ऐसा है जब आप एंटी डिफेक्शन पढ़ते हैं तो क्या 10th शेड्यूल में है वो, ये बात पढ़ी है 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन। दूसरी स्टेटमेंट, ओरिजिनली द 10th शेड्यूल वाज फॉर्म रिलेटेड टू सिक्किम बट वाज रिपील्ड लेटर आफ्टर सिक्किम वाज मेड ए स्टेट, पहले स्टार्टिंग में क्या है सिक्किम स्टार्टिंग में स्टेट नहीं था, वो एसोसिएट स्टेट था, ये बात पहले प्रेजेंटेशन में आ चुकी है सिक्किम वाली। ठीक है, तो 10th शेड्यूल में पहले इंक्लूड किया गया था, अब वो भारत का राज्य बन गया तो 10th शेड्यूल से ऑटोमेटिक खत्म हो गया, तो ये बात सही है क्या? तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, इसका राइट आंसर है दोनों ही करेक्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल में है, और स्टार्टिंग में सिक्किम के लिए बनाया गया था, लेकिन सिक्किम जब भारत में आ गया तो इसलिए वो उसकी कोई जरूरत नहीं रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है इसका आंसर है। ठीक है, इसका लंबा चौड़ा पूरा दिया हुआ भी है, आपके पास पीडीएफ है उसमें जरूर एक बार नजर मारना पूरा, इसमें कि 10th शेड्यूल है और एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में कैसे हुआ, सिक्किम है वो उसका हटा दिया गया 10th शेड्यूल में से। ठीक है, When was the Representation of the People Act passed? Representation of the People Act, जन प्रतिनिधि अधिनियम है वो कब किया गया, कब किया गया बताइए आप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हुआ था 1951 में, जन प्रतिनिधि नियम Representation of People Act 1951 वो पार्लियामेंट का एक्ट है जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए पार्लियामेंट बनाया गया, पार्लियामेंट के इलेक्शन, और क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है लोकसभा विधान परिषद और विधानसभा उनका उनकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो किसके, या दूसरे शब्द में बोलूं कि हरियाणा में चौटाला को सजा है वो किस एक्ट में, कानून के तहत किस एक्ट एक्ट में प्रावधान के जरिए मिली है, तो उसका राइट आंसर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, किसको डिसक्वालीफाई करना है क्या होना है तो वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको भारत के संविधान का पिता जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सबको पता ही होगा, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाउंड टू, जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देते हैं वो किस पे बाउंड है, एनी रीजन ऑफ ए स्टेट, ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब पे, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, या ऑल इंडिया कोर्ट पे। बहुत इंटरेस्टिंग सा फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि किस पे, क्या है सुप्रीम कोर्ट है भारत के वो किस पे बाउंड है उनके डिसीजन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑल इंडियन कोर्ट हो जाएगा, ऑल इंडियन कोर्ट्स है उसके ऊपर बाउंड है, आर्टिकल 141 है संविधान का, क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरप्रेट करता है लॉ की, ठीक है, या कोई डिक्लेयर करता है
बाइंडिंग है सभी कोर्ट पे, भारत की जो टेरिटरी में है, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया है और अल्टीमेट जुडिशियल अथॉरिटी है संविधान को इंटरप्रेट करने की, डिसाइड करने की क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंक्लूडिंग बाय लॉ की ये राइट लॉ है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 691 आ जाता है और क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एससीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है अबाउट द पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी। शेड्यूल कास्ट रिलेटेड नेशनल कमीशन है, आपने कमीशन वगैरह पढ़े होंगे, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, फिर एससी से कमीशन है, एसटी से कमीशन है, अब बैकवर्ड कास्ट से जो कमीशन है, बैकवर्ड क्लास से, उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो यहां पर एससी से रिलेटेड है। कुछ स्टेटमेंट दी ये क्या है कि इट हैज ए पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग स्पेसिफिक केसेस, मतलब सिविल कोर्ट होते हैं उसकी पावर है, वो बुला सकता है, समन जारी कर सकता है, वो वाली पावर है। क्या है ये स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा बात है कि इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद द रिस्पेक्ट ऑफ एससी, कि एससी वाला जो कमीशन है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके मुद्दों को भी शामिल किया गया है, उनके उनको भी उनकी जो इश्यूज है उनको भी डील करना एससी कमीशन का काम है। तो पहला क्या है कि वो सिविल कोर्ट वाली पावर, दूसरा क्या कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका भी देख रेख करता है या नहीं करता, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो मेजर पॉलिसी होते हैं एससी से रिलेटेड जो उनको इंपैक्ट करे, उनके लिए इस कमीशन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताना आपको कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आसान सा है क्वेश्चन, अगर आपने वैसे भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत तो भी आप इसका जवाब दे सकती हो। ठीक है, ये पूरा जानकारी भी दी है कि एससी कमीशन है उसकी पावर क्या है। ठीक है, इसमें आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। आगे एक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व्ड एज ए टर्म ऑफ 13 डेज, कि 13 दिन का कार्यकाल भी किसी प्राइम मिनिस्टर का रहा है, कि छोटा सा कार्यकाल था 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था जो सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार चलाई थी जिन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या है, मुझे लगता है सबको ये बात पता भी होगी, इसका राइट आंसर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की। पहले 13 दिन की सरकार थी, 13 महीने की, और उसके बाद क्या है कि फिर 5 साल के लिए पूर्ण सरकार चली थी, फुल टर्म के लिए। हालांकि बीच में उन्होंने थोड़ा सा 5-6 महीने पहले इलेक्शन को करवा दिया था इस उम्मीद में कि वो जीतेंगे, लेकिन हार हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा देश फेडरल नहीं है, फेडरल का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, जहां पे कि केंद्र और राज्य है दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं जहां पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो कनाडा, ब्राजील, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से फेडरल देश कौन सा है, मतलब जहां पे कि केंद्र की ही चलती है। तो ऑब्वियसली क्या है कि बहुत आसान है इसका, कि ये तो चाइना ही हो सकता है, जहां पे क्या है कि वहां पे ऊपर वाले है वही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो दुनिया के 8 बड़े कंट्री है उसमें से 7 है वो फेडरल है, और सिर्फ चाइना है ना वो फेडरल नहीं है। तो जो बड़े 8 है, रशिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, ये सारे क्या है, यहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि सेंटर के पास पावर है तो राज्यों के पास भी पावर है। अमेरिका है वो यूनिटी स्टेट है, केंद्र के पास ही पावर है वहां पे, और ये ऐसा यूनिक करता है चाइना को, इसलिए आप बोल सकते हैं वहां पे ज्यादा तानाशाही टाइप की सरकार है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इंडिया, एसोसिएशन का बनाना क्या फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट, नेचुरल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है या कौन सा राइट है बताइए, फॉर्मिंग एन एसोसिएशन, संघ बनाना, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये फंडामेंटल राइट है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(c) के तहत, 19(1)(c) के तहत। और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल इट्स सिटीजन द राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, थोड़ी देर पहले आया था ना जिक्र कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर आ गया 695, विजय केलकर कमेटी है वाज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट, क्या किसके लिए बनाई गई थी, विजय केलकर कमेटी है वो किसके लिए बनाई गई थी बताओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है क्या, स्टेट ऑफ सुगर मिल्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, पुअर्टी इन इंडिया, किस मुद्दे पे केलकर कमेटी बनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या है कि इसका राइट आंसर है ए, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन मॉडल है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, कि भाई जो हमने कर रहे हैं
वो ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 9 मेंबर की कमेटी बनी थी, इसके हेड थे फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी विजय केलकर, और रिपोर्ट सबमिट की थी 2015 में उन्होंने। और ये कमेटी है वो 26 मई 2015 में रिव्यू करने के लिए कि जो ट्रिपल पी पॉलिसी होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, उसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है, बेटर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारे मुद्दों के लिए थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, कि भारत के संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया, ये प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो लिया गया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी से लिया गया है वो, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, वेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वहां से ये लिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका जिक्र किस आर्टिकल में है, उसका जिक्र यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका जिक्र है किस आर्टिकल में है? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर है 44। और इसमें क्या बोलता है यूसीसी के बारे में, कि इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भारतीयों के लिए एक यूनिफॉर्म कोड है वो बनाया जाए पूरे इंडिया के लिए। हु आर द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, जिसकी काफी चर्चा हुई है जो CAA का आंदोलन चल रहा था तो उसमें NSA की भूमिका थी, तो आपको बताना कि पहला NSA कब था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कब बना था, कौन था, क्वेश्चन है कौन था, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर क्या है, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा वो पहले भारत के NSA थे। पोस्ट वाज क्रिएटेड 19 नवंबर 1998 को क्रिएट की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि उस टाइम में जो पोखरण वगैरह ये सारी चीजें थी तो उसमें भूमिका थी दूसरे देशों के साथ में इंटरेक्ट करने की और जो चैलेंजेस थे, तो भारत क्या है कि धीरे धीरे वर्ल्ड स्टेज पर आगे बढ़ रहा है तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करने के लिए NSA को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विच ईयर द फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपियर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, किस साल में जेंडर बजट मतलब महिलाओं के स्पेसिफिक विषय पे, महिलाओं स्पेसिफिक या महिला स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक बजट है स्टेटमेंट वो यूनियन बजट में शामिल की गई, इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं के लिए इतना परसेंट खर्चा होगा, महिलाओं के लिए ये स्कीम है, प्योरली महिलाओं के लिए ये स्कीम है, महिलाओं जिसमें कि 30% से ज्यादा बजट मिलेगा वो ये स्कीम है। तो ये जो बजट होता है उसके स्टेटमेंट होती है जब आप सदन के पटल पर रखते हैं उसमें, तो वो कौन सा साल था जहां पे ये महिलाओं का स्पेसिफिक जिक्र था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2005 है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको हल्के में न ले, ठीक है। 2005 में जेंडर बेस्ड स्टेटमेंट है वो उसके दो हिस्से थे, एक में क्या है पार्ट वन में जो महिला स्पेसिफिक स्कीम होगी 100% एलोकेशन होगा बजट का, और दूसरा क्या 30% से ज्यादा होगा, तो पार्ट बी। व्हाट इज द इलेक्शन कोल्ड इन ए पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट चल रही है लेकिन वैकेंसी हो गई है, एमपी में या एमएलए के केस में वैकेंसी हो गई है, सरकार का अभी कार्यकाल पड़ा हुआ है, किसी के देहांत हो गया, डेथ हो गई है या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऐसे में इलेक्शन होना है, अब उस इलेक्शन को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको बोलते हैं इंडिया में बाय इलेक्शन बोलते हैं, बाय पोल्स, बाय इलेक्शन या बाय पोल्स बोलते हैं, उपचुनाव, ठीक है। वो क्या होते हैं उपचुनाव, मध्यवर्ती चुनाव जिसको मध्यवर्ती चुनाव नहीं, मिड टर्म इलेक्शन तब होते हैं जब भंग कर दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है पूरी असेंबली को और नया जनरल इलेक्शन होता है, फिर नई सरकार आएगी, तो इसमें क्या एक बंदा की वजह से हुई है, बंदे को दोबारा इलेक्ट कर लिया जाता है किसी और को, तो बाय पोल से इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है, ये थे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस में 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे करेक्ट हुए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि 50 में से आपके क्या, कौन ऐसे हैं जो कि 40+ इसका आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। जो लेवल है मुझे लगता है कि अबो एवरेज या आप बोल सकते हैं इसको डिफिकल्ट लेवल, इसका लेवल IAS का लेवल नहीं है, UPSC का लेवल नहीं है, इसका जो लेवल है वो आपको
बाकी जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, अच्छा एग्जाम, उसको आप क्वालिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, और उसके लिए बड़ा बहुत ही जरूरी ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बाकी जगह भी, एचसीएस आईएएस में भी इसका सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं, आरएएस, यूपीपीसीएस, सीडीएस, इस तरह के किसी भी एग्जाम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।